आहट मिलने लगी है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि बीजेपी के बड़े नेता पीएम से मिले हैं, इस वक्त ये बड़ी खबर है। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बैठक में तय किया गया है कि दिल्ली में सरकार बनाने से गलत संदेश जाएगा, इसलिए बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बनाएगी। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में मौजूद है। राकेश, मुझे ये बताइए, पिछले एक हफ्ते से जिस तरह की कवायद चली है, जिस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग, पॉलिटिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है कि किसी तरह से जोड़ तोड़ से या तोड़ फोड़ करके ही बीजेपी सरकार बना ले, अब उस फैसले से बीजेपी पलटती नजर क्यों आ रही है? देखिए राजदीप, इंडिया न्यूज ने पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिक्स सम्मेलन के बाद वापस स्वदेश लौटेंगे, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिरकार दिल्ली में जो राजनीति है, दिल्ली में सरकार बनाने की जो कवायद बीजेपी की ओर से चल रही है, उसको अंतिम मुहर प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाएगा। लेकिन आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता, चाहे बात करें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली वित्त मंत्री के साथ साथ सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद जो राय थी उसमें अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली में अगर सरकार बनाया जाता है तो ये सही संदेश नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह ने जो अपना व्यू रखा उसमें कहा कि और लोग हैं उनसे हमें बात करना चाहिए, यानी जो दिल्ली के जो नेता हैं उनसे बात करनी चाहिए, उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री, जो सूत्रों की माने राशि, तो उसमें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जल्दबाजी में नहीं दिखना चाहिए, और ऐसी स्थिति में ये मुझे सीधे ये बताइए राकेश कि बीजेपी के कौन बड़े नेता चाहते हैं कि दिल्ली में चुनाव हो, और कौन नेता ये चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाए? देखिए, बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थोड़े से इसको लेकर नरम जरूर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि दिल्ली में सरकार बनाने की जो कवायद चल रही है उसमें जल्दबाजी नहीं किया जाती। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थोड़े से इसको लेकर नरम जरूर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि दिल्ली में सरकार बनाने की जो कवायद चल रही है उसमें जल्दबाजी नहीं किया जाना चाहिए, यानी उसमें अब पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। अब दूसरा बड़ा सवाल, अभी थोड़ी देर पहले खबर ये आई कि दिल्ली में अगर चुनाव होते भी हैं तो अगले साल जनवरी या फरवरी में चुनाव होंगे, जबकि बाकी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है, झारखंड में होना है विधानसभा चुनाव, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, तो दिल्ली के लिए अगले साल तक का इंतजार क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं पार्टी का जो जो आकलन है उससे ये जरूर संदेश जा रहा है कि अगर अभी चुनाव किया जाता है तो पार्टी को जितना सीट चाहिए उतना नहीं मिल सकती है, यानी उसी को ध्यान में रखते हुए जो विधान को निलंबित किया गया है उसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया सकता है, और ऐसी स्थिति में फरवरी में ही जो बीजेपी के बड़े नेताओं की बात माने राशिद, तो फरवरी ही एक विकल्प बचता है, और जनवरी या फरवरी में जो है विधानसभा के चुनाव होने के आसार दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह इस तमाम जानकारी